और देवभूमि उत्तराखंड से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पर सभी 41 मजदूरों को सकुशल बाहर निकाल लिया गया है। सभी मजदूरों ने कहा जान बचाने के लिए आपका शुक्रिया। इस वक्त की बड़ी खबर, सबसे बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी टनल के अंदर मौजूद है, सभी का कुशल क्षेम जान रहे हैं। तो सीएम धामी ने रेस्क्यू किए गए कर्मवीर से भी बातचीत की है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता दें, और मजदूरों का किया जा रहा प्राथमिक उपचार। तो देवभूमि उत्तरकाशी से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, एमकेएम न्यूज के माध्यम से, सभी 41 मजदूरों को सकुशल बाहर निकाला गया है। टनल में 17 दिन बाद मिशन कामयाब रहा, और आपको बता दें कि 418 घंटे की मशक्कत जद्दोजहद कामयाब हो चुकी है, मिशन कामयाब रहा है, और बता दें कि जीत गई जिंदगी। और ये देखिए तस्वीरें, पहली तस्वीर आपको बता रहा है एमकेएम न्यूज पर, टनल में फंसे सभी मजदूरों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है। सीएम धामी इस वक्त सभी मजदूरों से बातचीत करते हुए आपको दिखाई दे रहे हैं हमारी स्क्रीन पर। सभी 41 मजदूरों का रेस्क्यू किया गया है, सुरक्षित, वो भी सभी 41 मजदूरों ने कहा जान बचाने के लिए शुक्रिया। और ये देखिए सीएम धामी टनल के अंदर मौजूद है, एक एक करके मजदूरों को बाहर निकाला गया है। सीएम धामी ने रेस्क्यू किए गए मजदूरों से बातचीत की है, कर्मवीर से बातचीत की है, वहां पर सीएम धामी इस वक्त मौजूद है, और मजदूरों का प्राथमिक उपचार टनल के अंदर ही किया जा रहा है, हेल्थ चेकअप किया जा रहा है। तो देवभूमि से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पर सभी 41 मजदूरों को सकुशल बाहर निकाल लिया गया है, टनल में 17 दिन बाद मिशन कामयाब रहा है, और 418 घंटे के बाद में जिंदगी जीती है। और ये जद्दोजहद 418 घंटे की, 17 दिन की, टनल में फंसे सभी मजदूरों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है। स्क्रीन आप देखिए किस प्रकार से सीएम धामी एक एक करके सभी मजदूरों से बातचीत कर रहे हैं, उनका कुशल क्षेम जान रहे हैं और उनको सराहना दे रहे हैं। और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए उत्तरकाशी से हमारे संवाददाता विनीत कंसवाल हमारे साथ में लगातार जुड़े हुए हैं। विनीत जी, इस वक्त सभी 41 मजदूर सकुशल बाहर निकाल लिए गए हैं, कितनी बड़ी खबर है ये, सीएम धामी चूंकि उस वक्त मौजूद है। विनीत कंसवाल जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं जी? विनीत कंसवाल जी, कितनी बड़ी खबर है, कितनी खुशी की खबर है कि सभी 41 मजदूर सकुशल बाहर निकाल लिए गए हैं, इस वक्त मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी वहां पर मौजूद है। जी बिल्कुल, जिस तरह से देखा जाए 41 मजदूर जो फंसे हुए थे वो आज सकुशल बाहर निकल चुके हैं, और अब से कुछ ही समय पहले मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी टनल के अंदर उनसे मुलाकात की है और उनका स्वास्थ्य के बारे में जानकारी ली, और अब थोड़ी देर बाद यहाँ से लगभग 5 एम्बुलेंस जो चिन्याली के लिए रवाना हो चुकी है, और साथ ही साथ यहाँ पर उनका ट्रैक पैक भी चल रहा है, जैसे जैसे जिस तरह की कंडीशन जिनकी होगी उस हिसाब से उनको यहाँ से रवाना किया जा रहा है। जी बिल्कुल विनीत, लेकिन सबसे पहले आपसे यही जानना चाहूंगा कि जो सभी 41 मजदूर बाहर निकले हैं उनका स्वास्थ्य कैसा है, उनका जब प्राथमिक उपचार किया जा रहा है तो उनका स्वास्थ्य में क्या कुछ देखने को मिला है, क्या किसी की तबीयत खराब हुई है, ज्यादा हुई, कम हुई है, कैसा है उनका स्वास्थ्य अभी? जी मनीष, बिल्कुल जिस तरह से देखा जाए यहाँ पर किसी तरह की कोई दिक्कतें इन मजदूरों के अंदर देखने को नहीं मिली है, क्योंकि लगभग सभी सकुशल देखे जा रहे हैं, और लगभग परिजनों से भी बात हुई तो उनका कहना भी ये है कि लगभग किसी तरह की कोई दिक्कत इन्हें नहीं है, और रही औपचारिकता वाली बात हो रही है कि मेडिकल उनकी चेकअप किया जाएगा पर उसके बाद इनको धीरे धीरे भेजा जाएगा, मगर जो अंदर इतने लगभग 17 दिनों तक अंदर रहे हैं उनके लिए यहाँ पर जो स्वास्थ्य विभाग है लगातार अपडेट मोड पे बना हुआ है, अगर कोई सीरियसली कंडीशन में अब आता है तो उनको एम्स के लिए रवाना कर दिया जाएगा। जी तो क्या सभी मजदूरों को प्राथमिक उपचार के बाद में एम्स रेफर किया जाएगा, और चूंकि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी वहां पर मौजूद है, सभी के परिजन वहां पर मौजूद है, सभी के चेहरे खिले हुए हैं, खुशी की एक लहर है, चूंकि 17 दिन 418 घंटे बाद में ये चेहरों पर खुशी देखने को मिली है, ना सिर्फ उत्तरकाशी, न फिर सिर्फ उत्तराखंड, बल्कि देश भर के लिए सबसे बड़ी और सबसे खुशी की खबर है कि 17 दिन बाद 418 घंटे बाद सभी मजदूर सकुशल सुरक्षित निकाल लिए गए हैं, ये एक देखने को मिला है कि हमने पहाड़ का सीना चीरकर जिंदगी बचाई है। ब्रिज जी, जी बिल्कुल मनीष, बिल्कुल इस तरह से जे हालात थे लगता नहीं था कि इतना समय लगेगा, जिस तरह से लगातार यहाँ पे भूदशा हो रहा था, कई बार टनल के अंदर पैप डालने के बाद भी टूट रही थी मशीनें, बड़ी बड़ी मशीनें, अमेरिका तक की मशीनें यहाँ पे खराब हुई, मगर कहा जा सकता है कि चमत्कार देवभूमि में ही होता है तो इसका असर खासा यहाँ दिखा है, और लगभग सभी स्वास्थ्य, एम्स की बात की जाए वो जब नीचे चिन्याली अस्पताल में जब पहुंचेंगे उसके बाद ही क्लियर हो पाएगा कि
किसको इन्होंने एम्स भेजना है और किनको ये परिवार वालों के साथ ही यहीं से हल्का ट्रीटमेंट करके भेज देते हैं। जी बिल्कुल, सभी का स्वास्थ्य फिलहाल यहां पर देखने को मिला है, प्राथमिक उपचार के लिए सभी का स्वास्थ्य देखा गया है। रेट स्पिनर्स वाली कंपनी नवयुग के मैनुअल ड्रिलर नसीम ने कहा है कि सभी मजदूर जो है स्वस्थ है, उनके साथ सेल्फी ली गई है। उन्होंने कहा कि जब आखिरी पत्थर हटाया गया तो सभी मजदूरों ने जयकारे लगाए। वो जयकारे क्या थे, कैसे जयकारे लगे वहां पर? जी बिल्कुल, जयकारों की बात की जाए तो भोकनाथ महाराज की जो यहाँ पे प्रसिद्ध मंदिर बना हुआ है, जिसके कहने पर जो लगातार यहाँ पर विवाद चल रहा था कि मंदिर हटाया गया है, उसको जयकारे यहाँ पे रहे। और बीजेपी के जो अपने प्रत्याशी हैं ये भी जयकारे के सम्मिलित हुए हैं, और जिससे कि यहाँ पर लगभग लगभग सभी को सुरक्षित बाहर निकाल दिया गया। जी जी बिल्कुल, अब आगे की राह क्या है, आगे क्या कुछ होगा? क्या सभी मजदूरों को इस वक्त एम्स में ही रखा जाएगा, कब तक रखा जाएगा, आगे की क्या कुछ शेड्यूलिंग है उनकी? जी मनीष, बिल्कुल जिस तरह से तैयारियां यहाँ पे लगभग की गई है, यहाँ से जब रवाना होंगे, हो सके आज ही अगर ये सही रहते हैं तो हो सके इनको यहीं से रिफर कर दिया जाएगा, मगर अगर कोई भी सीरियस कंडीशन होती है तो इनको एम्स के लिए भेज दिया जाएगा। जबकि उत्तरकाशी जिला अस्पताल में भी लगभग 41 बेडों की व्यवस्था की गई है, सभी स्वास्थ्य केंद्रों पर भी अपडेट मोड पर रखा गया है कि अगर कोई सीरियस कंडीशन इनकी आती है तो इनको तुरंत एम्स के लिए रवाना किया जाए। साथ ही यहाँ पर जो पुलिस सेना की बात की जाए तो सेना का एयरफोर्स का जहाज यहाँ पर अपडेट मोड पर रखा हुआ है। जी जी बिल्कुल, तमाम जानकारी के लिए आपका विनीत बहुत शुक्रिया। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें देवभूमि से, जहां पर सभी 41 मजदूरों को सकुशल बाहर निकाल लिया गया है। देवभूमि से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं एमके न्यूज के माध्यम से। टनल में 17 दिन बाद मिशन कामयाब रहा है, जिंदगी जीती है, पहाड़ का सीना चीर करके 418 घंटे बाद जिंदगी जीत लाए हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें हम, सबसे बड़ी खबर, टनल में फंसे सभी मजदूरों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है और सभी मजदूर फिलहाल सुरक्षित हैं। सभी 41 मजदूरों का रेस्क्यू ऑपरेशन सफल रहा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार सभी मजदूरों से मिल रहे हैं। सभी 41 मजदूरों ने कहा जान बचाने के लिए आपका शुक्रिया। और बता दें कि 41 मजदूर 17 दिन बाद बाहर निकले हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी वहां पर मौजूद है, सभी मजदूरों से बातचीत की जा रही है, उनका प्राथमिक उपचार वहां पर किया जा रहा है और ये जिंदगी की जंग जीते हैं, इसका श्रेय सभी टीमों को जाता है, प्रशासन को जाता है, सरकार को जाता है और जिस किसी व्यक्ति ने प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तौर पर इसमें सहायता की है सभी को इसका क्रेडिट जाता है, सभी के लिए शुक्रिया। तो इस व्यक्ति बड़ी खबर आपको बता दें जहां पर 418 घंटे बाद जिंदगी जीती है।